देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। आजमगढ़ में लोकसभा उपनिर्वाचन को लेकर सोमवार को दिन में 11 बजे अधिसूचना प्रशासन की तरफ से जारी की गई। इसके बाद नामांकन का कार्य शुरू हुआ। नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट क्षेत्र के चारों तरफ बैरिकेटिंग कर दी गई थी। सुरक्षा के चुस्त दुरुस्त इंतजाम किए गए थे। त्रिस्तरीय बैरिकेटिंग भी की गई थी। हर बैरिकेटिंग स्थल पर पुलिस फोर्स तैनात थी। कलेक्ट्रेट भवन के एक गेट पर नामांकन को जाने वाले प्रत्याशियों के लिए व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर कड़ी चेकिंग के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा था। हालांकि पहले दिन किसी भी प्रमुख प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। वहीं नामांकन पत्रों की खरीदारी का काम एक दिन पहले शुरू हो चुका था। एडीएम प्रशासन अनिल मिश्र ने बताया कि 6 जून तक नामांकन का कार्य जारी रहेगा। इसके बाद 7 जून को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी और 9 जून तक नाम वापसी हो सकेगी। 23 जून को मतदान है और काउंटिंग 26 जून को होगी। काउंटिंग के लिए बिलईसा स्थित FCI गोडाउन को सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि EVM मशीनों को दुरुस्त करने का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए इंजीनियर्स आ चुके हैं। आइए सुनते हैं ADM प्रशासन ने क्या कहा। उनहत्तर लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ की सूचना आज 11 बजे जारी की गई है और नामांकन की अंतिम तिथि 6 जून है। नामांकन पत्रों की जांच 7 जून को की जाएगी। नाम वापसी 9 जून को है। इसके बाद EVM की कमीशनिंग की जाएगी। EVM के इंजीनियर आ चुके हैं। EVM मशीनों की फिर से की जा रही है।